ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा, मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं, बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। जेल से बाहर आते ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है, मगर इसके जवाब में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी गजब पलटवार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को कुछ दिनों की राहत दी और बाहर आकर वो सीधे चुनाव प्रचार में जुट गए, लेकिन अपने भाषणों में वो पीएम मोदी पर पूरी तरीके से निशाना साध रहे हैं। दिल्ली में हुई एक जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने खुद ही बीजेपी में 75 साल में रिटायरमेंट का रूल बनाया था और अब वो खुद अगले साल 75 के पूरे हो रहे हैं, ऐसे में मोदी की गारंटी को पूरा कौन करेगा। आइए आपको सुनाते हैं केजरीवाल का पूरा भाषण। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा, मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे? नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं, तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पर भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? जब आप अगर जो जो, वैसे तो मेरे को लगता है मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है, लेकिन जो जो बीजेपी को वोट देने जाएं, वो ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहे, आप अमित शाह के नाम पे वोट दे रहे। अब केजरीवाल के इस भाषण पर पलटवार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ जमकर गरजे हैं। सोशल मीडिया पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका जवाब देते हुए लिखा है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी को पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक प्राप्त हो रहे अपार जन समर्थन के सम्मुख विपक्ष का सारा प्रोपेगेंडा फेल हो गया है। लोकसभा चुनाव में अपनी पराजय सुनिश्चित जान हताश विपक्ष मोदी जी की आयु का बहाना बनाकर छद्म आक्रमण का निरर्थक प्रयास कर रहा है। भारत का जनगण मन जानता है कि मोदी जी का हर क्षण भारत माता को परम वैभव तक ले जाने के लिए समर्पित है। निश्चित ही मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में भारत वैश्विक महाशक्ति बनने की दिशा में नई ऊंचाइयों को स्पर्श करेगा। मोदी जी 140 करोड़ भारतीयों के सर्वमान्य नेता हैं और हमारे अभिभावक। हमें गर्व है कि हम मोदी जी के परिवारजन हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो अरविंद केजरीवाल को दो टूक जवाब दे दिया, मगर अरविंद केजरीवाल जिस तरह से लगातार पीएम मोदी की उम्र को लेकर सवाल उठा रहे हैं, ऐसे में बीजेपी को भी इसके लिए एक मजबूत उत्तर जरूर ढूंढना होगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।